नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। आज दिन है शरद पूर्णिमा का, अश्विन माह की पूर्णिमा है आज, तो शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। और वाल्मीकि ऋषि का, महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन भी है, जयंती भी है उनकी, जो आदि कवि हैं जिन्होंने रामायण की रचना की थी। जो रामायण है हिंदू धर्म ग्रंथों में या पूरे सनातन संस्कृति में, पूरे विश्व में सबसे पहला ग्रंथ है रामायण, तो उनकी रचना वाल्मीकि जी ही ने की थी। अभी हमारे साथ, अभी हम हैं विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों के साथ। आइए उनसे ही बात करते हैं कि इसका क्या महत्व है शरद पूर्णिमा का। सर, ये बताइए कि क्या महत्व है इसका। शरद पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है, यह पूरे हिंदू समाज में, पूरे भारतवर्ष में एक समान रूप से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के बारे में मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा जो होता है वह 16 कलाओं से पूर्ण होता है, और उससे जो विकिरण निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं, उनमें अनेक रोगों को ठीक करने का औषधीय गुण होता है। आज के दिन इसीलिए हम लोग खीर बना करके उसको खुले आसमान के नीचे ढक करके, कपड़े से, किसी सूती कपड़े से, पतले कपड़े से ढक करके रखते हैं, और उसमें वो विकिरण आते हैं, औषधीय गुण आते हैं, और उस खीर का पान करने से, बाद में उस खीर को ग्रहण करने से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति दीर्घायु होता है, स्वस्थ रहता है। महोदय, ये बताइए कि जो शरद पूर्णिमा है उसमें हम लोग जानते हैं कि रात को मनाया जाता है, रात को चंद्रमा की किरणें होती हैं, तो ये अभी तो 7 से 9 का कार्यक्रम है, तो ऐसा क्यों मनाया जा रहा है? नहीं, रात जब सूर्यास्त हो गया तो चंद्रमा जब आसमान में आ गया तो विकिरण वहाँ से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और हम जो कार्यक्रम मनाते हैं तो इसमें बालक भी आते हैं, माताएं भी आती हैं, बहनें भी आती हैं, तो रात भर तो कार्यक्रम नहीं चल सकता है, तो एक समय निर्धारित करके 7 से लेकर के 10 बजे तक हम कार्यक्रम चलाते हैं, और उसके बाद खीर पान करके सब लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह केवल संघ ही कार्यक्रम मनाता है, अनेक घरों में, हम सबके घरों में भी आज के दिन खीर बनती है, और वह खुले आसमान के नीचे कपड़े से, सूती कपड़े से ढक कर के रखी जाती है, और बाद में 12 बजे रात के बाद या अगले दिन सुबह या 10-11 बजे के बाद उसका हम पान करते हैं, उसका रसा स्वादन करते हैं, जिससे कि हमारी आयु अच्छी रहती है, दीर्घायु रहती है, और अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। आप त्रिलोकी जी हैं, त्रिलोक जी और विभाग कार्यवाह है। सर, ये बताइए कि जो वाल्मीकि जयंती है, क्या संघ वाल्मीकि जयंती भी मनाते हैं? ऐसा है कि हमारे देश में जो भी सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में, अपने देश की संस्कृति में, समाज में जो भी महापुरुष आए, हम उन सभी का नमन करते हैं, हम उन सभी की जयंती मनाते हैं, और यह संयोग है कि आज शरद पूर्णिमा के दिन वाल्मीकि जी की जयंती भी है, तो हम उनको भी नमन करते हैं और उनके बारे में भी अपने स्वयंसेवकों को बताते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी जो थे वह आदि कवि थे, संस्कृत के पहले श्लोक की उन्होंने रचना की, और रामायण जैसा ग्रंथ जो कि अपने आप में सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और संगठन कैसे किया जाता है इसकी हमें प्रेरणा देता है, इसे निश्चित रूप से हम वाल्मीकि जी का भी आज के दिन नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। सर, हम लोग जैसे जानते हैं कि वाल्मीकि जी बहुत विद्वान ऋषि थे, महर्षि थे, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि जो वाल्मीकि समाज है बहुत पिछड़ा समाज में माना जाता है, ऐसा मतलब कुछ बता सकते हैं इस पे कि ऐसा कैसे हो गया? देखिए, वाल्मीकि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किसी समाज से संबंधित नहीं है, कालांतर में वो कहीं ना कहीं उसमें विकृति आई कि हमने एक समाज का नाम ही दे दिया वाल्मीकि। वास्तव में वाल्मीकि जो दीमक जो किसी चीज़ के ऊपर पूरा छाप लेते हैं और उसके बाद जो उसका रूप दिखता है, तो मिट्टी का जो है कोई टीला होता है उसके ऊपर दीमक लग जाते हैं, कोई लकड़ी पुराना पेड़ होता है उसके ऊपर दीमक लग जाते हैं, चारों तरफ से मिट्टी हो जाती है, दीमक उसको घेर लेते हैं, तो वह उस वस्तु को हम वाल्मीकि बोलते हैं। तो वाल्मीकि जी महर्षि थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उन्होंने भगवान की भक्ति प्रारंभ की, तो उन्होंने साधना प्रारंभ किया, और साधना में इतने लीन हो गए
कि उनके ऊपर कब दीमक लग गई उनको पता ही नहीं चला, तो उनको वाल्मीकि की उपाधि दे दी गई। ऐसा कुछ नहीं है कि वाल्मीकि मतलब कोई पिछड़ा है या कोई वंचित है या कोई शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि बाद में वो कालांतर में कहीं ना कहीं हिंदू समाज को बांटने के लिए अंग्रेजों ने मुसलमानों ने एक जाति का नाम दे दिया वाल्मीकि। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वाल्मीकि समाज पिछड़ा है या वाल्मीकि जो है किसी एक जाति का नाम है। वाल्मीकि एक ऑब्जेक्ट का नाम है, एक वस्तु का कह सकते हैं नाम है जी। सर आप ये अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा और ये बताइएगा सर कि आरएसएस की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? कांग्रेस थी तो स्थापना क्यों हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की? वंदे मातरम। सबसे पहले बात तो है कि मेरा नाम जितेंद्र कुमार आर्य हुआ जी। मैं बाल्यकाल से इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूँ और उस समय से मेरा इस संघ में जाने के वजह से एक भावना जगी, एक विश्वास हुआ, एक प्रेरणा मिली और उस समय से मैं अविवाहित रहकर और समर्पित होकर इस राष्ट्र के लिए तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन के पथ पर और पथिक इसका बने हुए हैं और इन ऋषियों का और संतों का मार्ग को प्रशस्त करने का एक छोटा सा प्रयास में लगा हूँ। ये मेरा परिचय। और अभी आपका प्रश्न क्या था एक बार? आरएसएस की स्थापना। हाँ, आरएसएस की स्थापना। तो आरएसएस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सभी को जैसा कि मालूम है और मालूम होना भी चाहिए कि आरएसएस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। आज विश्व का जो सबसे बड़ा संगठन हिंदुओं का है आरएसएस, इसकी स्थापना क्यों हुई? तो इसका स्थापना होने का मुख्य वजह ये था कि हजारों वर्ष से एक अध्ययन हुआ। हमारे पूज्य सरसंचालक जी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने 1925 ईस्वी में महाराष्ट्र में संघ का स्थापना किया नागपुर में, उन्होंने देखा कि अपना हिंदू का हजारों वर्ष से दुर्गति क्यों हो रहा है, क्यों पर कभी आप आके हम पर शक ये मुगल शासन करते हैं, हम पर कभी क्रिश्चियन शासन करते हैं, कभी कौन आते हैं, कभी कौन हमको भ्रमित कर जाते हैं इस प्रकार से, और हमारा देश खंडित हो रहा है। कभी दिनकर का एक कविता है, बहुत आपके साथ जवाब देने में मुझे लंबा हो सकता है, लेकिन दिनकर की एक कविता है कि बहुत गा चुके अब ना यह राग गाओ, बहुत हो चुका अब तो बाज आओ, कभी चीन आया तो हटते रहे तुम, अपनी ही जमी से करते रहे तुम, बहाया कितने लहू मस्तक कटाई, दे दी जमी है जरा गम ना आया, हंसता रहा है सारा जमाना। नेफा हमारी थी, लद्दाख हमारा था, कश्मीर तो आज हमारा हो गया धारा 370, वो पीए को तो कल की बात है पाकिस्तान, तो नेफा हमारी थी, कश्मीर हमारा था, अफगानिस्तान हमारा था, काबुल हमारा था, लंका हमारी थी, वर्मा हमारा था, बहुत गा चुके अब ना यह गीत गाओ, अब तो कुछ करके दिखाओ। तो हम जरा सोचें कि हमारा साम्राज्य कितना बार चल रहा है। एक कहावत कहा कि हिंदू घटा देश मटा, जहाँ हम कमज़ोर होते हैं वहाँ हमारा देश तो खंडित हो जाता है। तो इस देश का शक्ति एक हिंदू ही है और हिंदू ही इस देश को अपना मातृभूमि, पितृभूमि, मोक्ष भूमि, धर्म भूमि मानता है और इस राष्ट्र को जीवंत भारत माता के रूप में देखता है। तो इसलिए हिंदू अमृत पुत्र है और हिंदू को जब आत्मबोध हो तभी इस मातृभूमि के प्रति समर्पण होगा, तभी हम इस राष्ट्र को अक्षुण रख सकते हैं, खंडित होने से बचा सकते हैं। और जो भी हम अभी तक ये गलत में मानसिकता के कारण, गलत कमज़ोर ये के कारण हमारा देश खंडित हो गया था, वापस हम पुनः उसको अखंड भारत के रूप में ला सकते हैं। इसलिए हिंदू समाज का कल्पना उस समय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इस संगठन को मजबूत करने के लिए कि हमारा हिंदू समाज पर हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपद महान, धरती खोई बंधु खोई, मिटे धर्म संस्थान। तो जब जब हम इस शक्ति को, स्वाभिमान को भूले हैं, तब तब हम पर संकट आया, हमारा परिवार बिखरा, हम अपने ही घरों में बेगाने होते गए। तो ये संगठन की आवश्यकता हुई है। डॉक्टर केशव बलिराम ने इस रूप को देखा और हिंदू संगठन आके पुनः जो हमारा भारत, अपनी भारत पूरी दुनिया में शासन करता था, भारत विश्वगुरु कहलाता था, तो पुनः
फिर उस स्थान को हम कैसे कर सकें। हिंदू एक ऐसा शक्ति है जो अपने शास्त्र में कहता है कि विश्व का कल्याण हो, बाकी किसी शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि भारत का कल्याण हो, वाराणसी का कल्याण हो, उत्तर प्रदेश का कल्याण हो, हम सभी ये भारत, हम विश्व का कल्याण चाहते हैं। विश्व में सभी लोग हैं, सभी प्राणी हैं। तो इतना विशाल, हम ना की भी पूजा करते हैं, हमारा विशाल हृदय है, हमारी संस्कृति विशाल है। तो हम कभी व्यक्ति का विरोध, हम किसी मजहब पंथ का विरोध नहीं, चाहे पंथ अलग फिर भी हिंदू एक, कितना भी पंथ है लेकिन हम हिंदू एक हैं। वयं हिंदू राष्ट्र भूता, हम सभी हिंदू जितने जातियों में भले क्यों नहीं बटे हों लेकिन इस मातृभूमि के नाम पर, राष्ट्रभूमि ये राष्ट्र के नाम पर, इस भारत माता के नाम पर हम एक सभी हैं। और जननी जन्म भूमि स्व स्वर्गादि पीरगरी ऐसी जननी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ऐसा भाव लेकर और डॉक्टर केशव बलिराम ने संघ की स्थापना की है। और आज हम देख रहे हैं इतने वर्षों के बाद, लगभग 6 पीढ़ियां मेरा खपा है, तो आज हम इस शक्ति को कुछ देख रहे हैं जो सामने दिख भी रहा है। ये इसलिए मुझे लगता है कि ये संघ की स्थापना का सार्थकता अब सामने झलक रहा है और भविष्य में और भी इसमें दिन दुनी राज चौगुनी प्रगति होगा। जी, तो जैसा आप बता रहे हैं उससे लग रहा है कि संघ की जो स्थापना हुई है, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य क्या है संघ का, आप बताइए। संघ का जो मूल उद्देश्य है, हमारे राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने का है। इसका ये उद्देश्य नहीं है कि हिंदू राष्ट्र ही बने। हाँ, इस संघ का जो मूल उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि हमारे देश में जितने लोग हैं, हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृतियाँ हैं, हमारी परम्पराएँ हैं, उनका पालन करें, उनके अनुसार चलें। हमें इस संघ से, किसी धर्म से कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। वीर सावरकर जी ने कहा था कि जो भारत को अपनी पूज्य मानता है, जिसके जो धर्म स्थान है भारत ही है, तो जैसे मुस्लिम है तो उनका तो मक्का मदीना है, क्रिश्चियन का जेरूसलम कहीं और है, तो क्या उनको मतलब संघ जो है एक्सेप्ट, स्वीकार करेगा कि उसको क्या? नहीं नहीं, देखिए, अलग अलग अर्थ निकालने का मतलब होता है। उनके कहने का ये मतलब नहीं रहा कि जैसे हिंदू है भारत का, उसका उद्गम स्थल है तो वो हिंदू है, लेकिन बाहरी जो आक्रमणकारी आए उन्होंने हमारे ही लोगों को बदला, हमारे ही लोग जो है बदल के अगर मुस्लिम हुए हैं, क्रिश्चियन हुए हैं, तो यहीं के हैं, उनकी संस्कृति यहीं की है, वो यहीं के हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं हमारे देश में कहा जाता है कि जो अतिथि होता है, अतिथि देवो भव, बाहर से आया वो अभी देवता के समान पूज्य है, वो बाहर से आया यहाँ रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी संस्कृतियों के खिलाफ न जाए, हमारे राष्ट्र के खिलाफ न जाए, उसके अंदर राष्ट्रवाद होना चाहिए। सावरकर जी कोई ऐसी बात नहीं कहे थे जो कि मतलब वो बांटते हों या धर्म का विरोध करते हों। उन्होंने इस पर बिल्कुल वहाँ जहाँ उसका जन्म हुआ है, तो आज के समय में हमारे देश में जितने भी अदर धर्म वाले हैं, दूसरे धर्म वाले हैं, वो लगभग यहीं के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इसलिए वो यहीं के हैं, यहीं हैं, और उनकी संस्कृति भी यहीं है, इसमें कोई दुरा नहीं, वो हमारे अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रवाद का सीधा मतलब है, संघ का सीधा मतलब है कि हमारे जो राष्ट्र के लोग हैं उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, उनके अंदर राष्ट्र के प्रति जो है श्रद्धा हो, भाव हो, और हमारे राष्ट्र को परम वैभव तक पहुँचाएँ। तो क्या घर वापसी चाहते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, घर वापसी कोई वैसा प्रकरण नहीं है। अगर मैं जैसे हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम से हिंदू बने, ये तो संप्रदाय है, कोई धर्म नहीं है। धर्म जो है अलग होता है, कर्म ही हमारा धर्म है, ये संप्रदाय है ना। तो अगर मैं घर वापसी कोई करता है तो उसका भी सम्मान है, और नहीं भी करता है, हमारे संस्कृतियों को मानता है, हमारे संस्कृतियों को तवज्जो देता है, हमारा विरोध नहीं करता, राष्ट्रवादी व्यक्ति है, राष्ट्र के प्रति उसका प्रेम है, जैसे अब्दुल कलाम जी थे, वो राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे, लेकिन क्या उनको कहा गया कि आप घर वापसी करिए? बिल्कुल नहीं कहा गया। तो यहाँ घर वापसी का कोई वैसा बात नहीं है, अगर कोई करता है प्रेम से तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे ही धर्म का है। जो भी यहाँ लोग हैं, कहा गया है कि हिंद से लेके हिमालय से लेके हिंदू सागर तक, यानी ये पूरा क्षेत्र जो है हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति वो हिंदू है। वह हिंदू कोई एक धर्म नहीं है, इसकी जो डिफिनेशन है वह एक कल्चर है, एक संस्कृति है, जीवन पद्धति है, जीने की कला है, तो इस हिसाब से कोई बाहरी नहीं है, सब लोग एक हैं। अच्छा, जैसे आज शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम है तो सभी को खीर वितरण किया जा रहा है,
तो यहाँ पे संख्या कम से कम 400-500 होगी, है ना? तो क्या संघ में जितने भी सदस्य होते हैं सभी मतलब क्या ब्रह्मचारी होते हैं जैसे मोदी जी थे कि, या फिर और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे कि शादीशुदा लोग भी हो सकते हैं? देखिए संघ में जो लोग हैं, संघ के जो प्रचारक होते हैं उनके लिए नियम है कि वो मतलब शादीशुदा ना हो या मतलब परिवार से दूर रहें, क्योंकि उनके अंदर परिवार के प्रति बार बार लगाव रहेगा तो संघ का कार्य नहीं कर पाएंगे सुचारू रूप से। बाकी संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब शादीशुदा हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि संघ में शादीशुदा व्यक्ति ही मतलब शादीशुदा व्यक्ति नहीं रह सकता है, सब लोग रहते हैं। संघ के जो प्रचारक हैं वो तपस्वी हैं, वो योगी हैं, वही जो है बिना परिवार के हैं। सर ये बताइए कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कठुआ में एक कांड हुआ था, एक दूसरे संप्रदाय की लड़की मतलब कुछ हुआ था, ठीक है, फिर जान से मार दिया गया था, या फिर एक तबरेज अंसारी का सुने होंगे, झारखंड में एक चोर था उसको जेल में उसको मतलब कुछ उसको चोटें आई थी, मतलब लोगों ने मारा था चोर समझ के, तो चोटों से वो फिर मर गया था, फिर उसको मीडिया ने इतना उछाला था कि हिंदू जो लिंचिंग करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, 39 से बड़े बड़े लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि जो समाज है मोदी जी उसको ख़राब कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा समाज बना रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन, एक दो दिन पहले की बात है, मुर्शिदाबाद में एक हिंदू परिवार था, आरएसएस से जुड़ा हुआ था, गर्भवती थी महिला, 8 महीने का उसमें बच्चा था और 6 साल का एक बच्चा छोटा भी, उसको मार दिया गया। और उसके बाद बंगाल में और भी कई सारी घटनाएँ हुई, तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जो आरएसएस है, जो भाजपा है, वो लाशों की राजनीति कर रही है, मतलब लोग मर रहे हैं, इनको अपने सीटों से मतलब है कि लोग मरेंगे, सीटें हमारी बढ़ेंगी। हमने कहीं नहीं देखा कि कहीं पे कैंडल लाइट मार्च या कुछ भी विरोध आरएसएस ने किया हो, तो ऐसा क्यों है कि आरएसएस अपने लोगों का साथ नहीं देती है? किनसे प्रश्न है? देखिए अभी आपका प्रश्न जो है कि इस प्रकार से हिंदुओं पर आक्रमण और हिंदुओं पर इस प्रकार से और हमला, अत्याचार आरएसएस के लोग, हाँ आरएसएस के, ये ऐसा हो रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से है। और जहाँ तक मीडिया की बात है, आप सभी मीडिया वाले की जी, तो और बुद्धिजीवियों की बात जी, तो आपने अभी कहा कि बुद्धिजीवी लोग जो कठुआ में जब होता है, कठुआ या तबरेज, हाँ तो उसको खूब, बाकी जब ऐसे स्थानों पर, तो ये तो स्वयं आप समझ रहे हैं इस बात को जी। अब दूसरी बात आता है कि संघ ने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाया जी। तो संघ आवाज हमेशा कह रहा है कि भाई आप इस देश में हो, एक बन के रहो, नेक बन के रहो। अभी तो अपने हमारे बंधु आपके बीच में कहे कि चाहे पंथ अलग फिर भी हिंदू एक, तो हम किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी मजहब में हो, कहीं भी हो, लेकिन एक हैं। और इस प्रकार का ये तो आज आप खुद इस बात को, ये हमसे ज़्यादा आप अभी बोल दिए इस बात को कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर भी कहते हैं कि नहीं हम ये करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम बाहर वाले को कितना सम्मान देते हैं, और अपने आरएसएस ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू के लिए केवल है, वो यहाँ जितने भी इस देश को जो राष्ट्र मातृभूमि पितृभूमि धर्मभूमि मानता है, इस देश में रहता है, इस देश का अन्न जल खाता है, सभी को कहता है कि भाई इस देश को मानो, इस देश का वंदन करो, इतना ही है बात। और हम किसी का विरोध नहीं, मुस्लिम का भी विरोध, मुस्लिम पर भी आक्रमण होता है, तो हम अपने लोगों को अभी देखते हैं कि अपने माननीय सर संचालक कहते हैं कि भाई किसी पर हम ना अत्याचार करें ना हम पर कोई अत्याचार करें, सभी हम इस देश के रहने वाले सभी भारतीय और भाई हैं, हिंदू एक जीवन पद्धति है, इसलिए हम इसके पक्ष में, हमारे आरएसएस इनके पक्ष में बोले, उनके पक्ष में बोले, किन्हीं के पक्ष की बात नहीं है। और ऐसी जो घटनाएं हो रही है ये आज का नहीं है, बहुत दिन से, और कुछ लोगों का ये कुछ लोग उसमें, कुछ समाज के लोग कुछ ऐसे होते हैं जो शांति व्यवस्था चाहते नहीं हैं, जो चाहते हैं कि दोनों में तफरका कुछ बना रहे। सभी मुस्लिम भाई हमारे ऐसे नहीं हैं, सभी हमारे क्रिश्चियन भाई ऐसे नहीं हैं, कुछ उसमें ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाएँ करते हैं और इस प्रकार का घटना करके वो जो है और माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, ये बात है। इसलिए हम, हमारे सरसंघ चालक या हमारे आरएसएस के लोग इसके ऊपर क्या बयान देंगे, इसके ऊपर तो
हमेशा सभी उनके नज़र में, हमारे स्वयंसेवक के नज़र में, आरएसएस के नज़र में, ये ध्यान में सभी एक हैं, इस देश में रहने वाले सभी एक हैं, उनके ध्यान में जो भी इस देश को अपने मानते हो सब। और इसी घटनाएं जो उपद्रवी लोग करते हैं वो तो कम से कम समझ सकते हैं, आज के आपके इस चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारे भावना कितना है। हम तो अभी पहले भी कहा कि हमने विश्व की जय हो करते हैं, विश्व का कल्याण हो, किसी भी थोड़ा सा पूजा पाठ कोई साधारण घरों में करता है तो धर्म की जय करते हैं, विश्व का कल्याण की बात करते हैं तो उसमें वो भी कल्याण है। तो हम किसी का विरोध करने नहीं चले, हम किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं, लेकिन हम पर जो अत्याचार करते हैं, हम अपनी रक्षा का जब काम उसको करते हैं तो ऐसे लोग, अभी जो कहे कि कुछ लोग ये गिने चुने देश के लोग प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, तो क्यों लिखे कि आप समझ सकते हैं, ऐसे लोगों का एक टीम देश में है जो जब एक तरफ होता है तो उसको कुछ नहीं तरजीह देते हैं, जब इधर कुछ होता है तो उनको लगता है कि ये पैर तले जमीन खींच सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या योजना, क्या साजिश ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन संघ ऐसा नहीं है, संघ यही चाहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं, चाहे वे कोई भी धर्म पंथ के हों, धर्म तो एक विश्व में है और पंथ अलग है, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो या जो भी बौद्ध हो, ये सब पंथ है, धर्म एक है और इति धार्यति स्वधर्म। तो जैसा ये कह रहे हैं आप कि जो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग होते ही पाकिस्तान बन गया, कुछ ही लोग थे, पाकिस्तान बन गया। फिर ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ, चार लोग परिवार के मारे गए, तो जैसे अभी हम लोग DLW सूर्य सरोवर में बैठे हैं, तो DLW जो निजीकरण हो रहा है उस पर हम लोग देख रहे हैं रोज़ धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन RSS के चार लोग मारे गए, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। देखिए है क्या, जिनको आप बुद्धिजीवी वर्ग बोल रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है वो, बल्कि स्वार्थी तत्व हैं, उनका अपना स्वार्थ है। तो चूँकि मैं पूरी बात बता रहा हूँ, जो उनका स्वार्थ है कि भ्रष्टाचार करना इसके पहले था, गलत काम करना, कुछ भी करना, ये सरकार जो है ऐसे लोगों पर रोक लगाई है, रोक लगने के बाद वो डिस्टर्ब हुए हैं, सरकार खिलाफ़ उल्टा सीधा बक रहे हैं। दूसरी बात, जो मुर्शिदाबाद में मारे गए संघ के लोग, तो ये लोग जानबूझ के मारे ही हैं, कि ये लोग जो है जानबूझ करके मारे ही हैं संघ के लोगों को, कि संघ जो है कुछ उल्टा सीधा काम करे, जिससे उनका सोच है कि संघ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक आतंकवादी संगठन दिखाना है, वो चाह रहे हैं कि हम उनको उकसाएं, उल्टा सीधा काम करें, जबकि संघ ऐसा कुछ करता नहीं है। आप लोग कुछ करेंगे नहीं, संघ एक मिनट, संघ जो है कोई भी काम एक कानून के तहत, सरकार के तहत जो नियम है, जो सही सिस्टम है, उसका सिस्टम के तहत काम करना चाहता है। संघ चाहेगा कि सिस्टम के तहत अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको दंडित किया जाए। संघ जब वही काम करेगा जो वो करते हैं, तो फिर आतंकवादियों में संघ में अंतर क्या रह जाएगा? वही नहीं, जैसे सरकार आपकी है, बिल्कुल बिल्कुल। बंगाल में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब भी RSS के भाजपा के कई कार्यकर्ता मारे गए, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भाजपा है, संघ है, लाशों की राजनीति कर रही है, मतलब लोग उसके मारे जा रहे हैं, इनको सीट बढ़ रही है, इससे मतलब अपने लोगों मरने से कोई समस्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए समस्या है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जब भी आती है, भाजपा एक सिस्टम के तहत, एक न्यायालय के तहत काम करती है, लोगों में अराजकता का भाव नहीं चाहती कि जागे। आप जब भी देखे होंगे कि आज लोग कह रहे हैं कि वहाँ मारे जा रहे हैं और जो है ये अपना स्वार्थ साध रहे हैं, स्वार्थ साधने की बात नहीं है, धीरे धीरे जो है सिस्टम बदलेगा। पहले इतने सिस्टम बिगाड़ दिए गए हैं, जैसे अभी आप तीन तलाक को ले लीजिए, तीन तलाक सिस्टम बिगाड़ा गया था, उस पर पहले भी कह रहा था संघ या BJP कि इसको हटना चाहिए, लोग कह रहे थे राजनीति सेक रहे हैं लोग। मंदिर के मुद्दे को ले लीजिए, मंदिर के मुद्दे में लोग कह रहे थे कि राजनीति सेक रहे हैं। मंदिर के मुद्दे को चूंकि अगर मैं कोर्ट के माध्यम से, हमारे सभी साक्ष्य हैं, कोर्ट के माध्यम से हमें मिलता है, तो हम जबरदस्ती क्यों करें? धारा 370 को ले लीजिए, 370 को लोग कहते थे हट ही नहीं सकता, संविधान का मूल है, क्या क्या है, हमको भरमाया गया। 2004 के पहले कोई भी व्यक्ति धारा 35A का नाम नहीं सुना था, 370 तो सुना था, क्योंकि हमको अंधेरे में रखा गया था। 35A जो है यही भाजपा लाई और धीरे धीरे जो लोगों के बीच समझाई लोगों को कि ये हटाया जा सकता है, इस तरह से हटाई। तो जो सिस्टम हमारे गड़बड़ हैं, वहाँ ममता बनर्जी जी की सरकार है,
वो कुछ भी उल्टा सीधा कर रही हैं, वो जान रही हैं, सोच रही हैं कि हमें ये सस्पेंड करे सरकार, और सस्पेंड करने का जो है हमें फ़ायदा मिल जाएगा, हमारे साथ जो है लोगों का मोटिवेशन हो जाएगा और हम फिर से चुनाव जीत जाएंगे। तो ऐसे समय में अगर मैं संघ या भाजपा या भाजपा ही कुछ एक्शन लेती है तो उसका जो है वो फ़ायदा उठाना चाहती हैं, और फिर जब वो सत्ता में आ जाएंगी तो अराजकता फैलाएंगी। तो अराजकता को हमेशा के लिए दूर करने के लिए थोड़ा सा तो बलिदान देना ही पड़ेगा। अच्छा, जो बंगाल में एक नुसरत जहां हैं, एक अभिनेत्री हैं, दुर्गा पूजा पंडाल में भी नृत्य करती हैं, जगन्नाथ यात्रा में भी जाती हैं, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, नुसरत जहां जी जो हैं वो साफ साफ दिखा रही हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं जी, ठीक है, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरा है जी। वो संप्रदायवाद न करके वो जो है भारतीय धर्म पद्धति को जो है मान रही हैं, सांप्रदायिकताओं में नहीं जा रही हैं। और जो आपको ये लग रहा है कि जो वो कर रही है ठीक कर रही है? हाँ, बिल्कुल ठीक, मतलब, कर रही है, गलत कुछ नहीं है। मतलब ऐसा भी लग रहा है कि जो प्रशांत किशोर हैं, जो भाजपा नरेंद्र मोदी को 2014 में एक स्ट्रेटेजिस्ट वो थे, फिर नीतीश कुमार के साथ भी थे, तो अब उनको लगाया गया है कि जो ममता बनर्जी की छवि बन गई है हिंदू विरोधी को, उसको वो मतलब उस छवि को मिटाना चाहती हैं, फिर जब वो सत्ता में आएंगी तो फिर वही करेंगी। बिल्कुल वही करेंगी। ममता बनर्जी जी, देखिए, नुसरत जहाँ को यूज़ किया जा रहा है कि वो सही कर रही है? देखिए, नुसरत जहाँ जी को यूज बहुत ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। अच्छा, वो अपने मन से कर रहे हैं? हाँ, वो कुछ ना कुछ अपने मन से कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी उनके हम स्टेटमेंट सुने हैं या पढ़े हैं या देखे हैं जी, तो वो अपने जो हस्बैंड के साथ हैं तो सीधे बोलती हैं कि हमारे हस्बैंड के घर में जो कुछ हो रहा है मैं उसको फॉलो करूँगी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और मेरा जो धर्म है इस्लाम धर्म है, मैं इस्लाम के साथ भी हूँ, वो दोनों तरफ हैं। और ममता बनर्जी जी का जो है, ममता बनर्जी जी स्पष्ट देखने मिलती है, छवि नहीं बनी है कि वो हिंदू विरोधी हैं, सीधे सीधे हैं ही, है तो स्पष्ट हैं। हाँ। अगर मैं नहीं होती तो दुर्गा पूजा के बाद जो मूर्ति विसर्जन है उस पर रोक नहीं लगा देती जी, जी। दुर्गा पंडालों पर रोक नहीं लगा देती, बजरंग बली और जैसे राम नाम बोलने पर रोक नहीं लगा देती। इनको हमारे सिस्टम से जो राम नाम है, राम नाम हमारे हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा नाम है जी। राम जरूरी नहीं है कि राम दशरथ के ही पुत्र रहे हो, राम का नाम पहले से भी था जी, जी। हमारे वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी जब वर्णन आता है कि भगवान शिव जी माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाए थे जी, जी। तो उसमें भगवान राम के बारे में बताए थे। अच्छा। उस कथा को फिर जो है लिखा गया वाल्मीकि जी द्वारा, एक राम, वही राम जी जो है पैदा होते हैं दशरथ जी के घर, उसमें का वर्णन किया गया, फिर तुलसीदास जी वर्णन किया रामचरितमानस में। तो राम जो है हमारी संस्कृति से जुड़े हुए सबसे महापुरुष हैं, और उनको उनके नाम पे जो राजनीति करता हो तो वह तो सीधे सीधे हिंदू विरोधी है ही, इसमें कहा नहीं जा सकता कि उनकी छवि बनाई जाए, वो हैं ही। तो ये थे कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता, कुछ सदस्य हमारे साथ थे, ये अरविंद जी हैं, आप परिचय अपना दीजिए। हाँ, मैं अरविंद तिवारी, यहाँ का विश्वकर्मा नगर का सहबौद्धिक प्रमुख। सहबौद्धिक प्रमुख, अच्छा। अब टंडन जी आ गए हैं, टंडन जी आप सर परिचय दीजिए अपना, इधर आ जाइए। आप जान रहे हैं? जी जी हाँ, हम लोग कार्यक्रम देख रहे थे काफी देर से यहाँ पे हैं जी। टंडन जी, आप मतलब परिचय थोड़ा बताइए कि नाम जान रहे हैं बस। हमारा पूरा नाम राजीव टंडन है जी, और मतलब संघ से हम जो है बाल श्रम सेवक रहे हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। कार्यभार क्या है? कार्यभार तो संघ में सीधे इस समय नहीं है, लेकिन संस्कार भारती के हम अवैतनिक कोषाध्यक्ष, विश्वकर्मा नगर में अवैतनिक कोषाध्यक्ष हैं, अनुसंगिक है संस्कार भारती। अच्छा, संघ का। सर ये बताइए कि जो मुर्शिदाबाद में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, तो उस पर आरएसएस वालों ने कुछ नहीं कहा है? उसके बाद जो मालवीय जी थे, मदन मोहन मालवीय जी, वो कहा करते थे कि मित्रता जो होती है वो बराबरी वालों के बीच में होती है। यदि जैसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले, उसके बाद भी यदि कहीं भी दंगे होते थे, मुस्लिम जो है संख्या में कम होने के बाद भी हावी हो जाते थे, क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। तो क्या लगता है, अब एकता आ गई है हिंदुओं में कि अभी भी बिखराव है? और दूसरा, आरएसएस के कार्यकर्ता या हिंदू जो लोग मारे गए हैं, संघ उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? यदि यही दूसरे धर्म पे होता, तबरेज अंसारी एक नाम है और एक दो नाम है, वो लोग गलत काम करते, जैसे तबरेज अंसारी चोर था तो लोगों ने मार पीट दिया, फिर बाद में उसकी जेल में चोटों के कारण उसके देहांत हो गया, लेकिन उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। और ये जो चार मुर्शिदाबाद में मारे हैं, एक पति पत्नी, उसका 6 साल का बच्चा, और पत्नी गर्भवती थी 8 महीने की, आरएसएस वालों ने कुछ नहीं बोला है?
क्यों, ऐसा क्यों है? अब देखिए, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि क्या हिंदू अभी संगठित हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमारे अभी देखा जाए तो अभी भी जितना संगठन हिंदुओं में होना चाहिए वो अभी भी हमारे विचार से नहीं हुआ है, और बहुत ज़्यादा इसमें कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने छोटे छोटे स्वार्थ को लेके पहले भी जो है हिंदू जागृति नहीं थी और आज भी नहीं है हिंदू। हम इसको इस चीज़ को हमने एक चीज़ देखा है कि आज जो आम हिंदू है वो संस्कृत भाषा से भाग रहा है, जबकि ये कहा जाता है कि संस्कृत हमारी देववाणी है, लेकिन उसके बावजूद भी संस्कृत पढ़ाने से हिंदू भाग रहा है, जबकि एक आम मुस्लिम परिवार में यदि आप देखेंगे तो उनके घर पे आता है मौलवी, आता है उर्दू पढ़ाते हैं, उनके यहाँ कोई त्यौहार होता है तो वो कुरान पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ दीपावली उपाली होता है तो कोई रामायण या महाभारत नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं, आज बच्चों से पूछिए रामायण महाभारत गीता रामायण किसने लिखी है, शायद ये भी बच्चे नहीं बता पाएंगे हमारे। उसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम खुद जो है, जो खुद पेरेंट्स हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं उनको भी शायद बहुतों को नहीं पता होता है कि ये रचनाएं किसने की हैं, किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, क्या हुआ है, गीता का क्या उद्देश्य है, रामायण का क्या उद्देश्य है, रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है, ये एक आम हिंदू नहीं बता पाएगा। हम अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को धर्म की संस्कृति के बारे में भी उनसे प्रश्न करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा अनभिज्ञता है अपने धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में उनको पता ही नहीं है। इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण हमें जो समझ में आता है कि पहले विद्यालयों में इसके बारे में शिक्षा दी जाती थी, पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, क्योंकि हर काम माँ बाप नहीं कर पाते हैं, बहुत से आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है ये भी सबसे बड़ा एक कारण है। पहले बच्चे दादा दादी से नाना नानी से अपने बहुत कुछ सीखा करते थे, आजकल माँ बाप पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर अलग हो जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों में संस्कार नहीं जा पा रहा है, अपने धर्म के प्रति जागृति नहीं हो पा रही है, उसके प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जी, आप लोग देख रहे थे प्यारा भारत, तो संघ जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जो भारत के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सब पहले हिंदू ही थे, तो वो अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक हों, उसको समझें और भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में अपना सहयोग दें और एक ऐसा वातावरण बने जहाँ पे सब लोग धर्मों में कोई बैर न रहे, क्योंकि सभी लोग एक ही जगह से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ना, सब लोग एक ही जगह से आए हैं। हाँ। सभी पहले हिंदू ही थे, सभी हिंदू थे, एकदम सभी हिंदू थे जी। उनकी जो पूर्वज थे वो देखा जाए हाँ। तो हिंदू ही हैं, क्योंकि बहुत से जो कन्वर्टेड है, चाहे जो यहाँ पे रहे हैं ईसाई हैं चाहे मुस्लिम हैं, उनके जो पूर्वज थे वो तो हिंदू ही थे, हिंदू ही थे, क्योंकि हिंदुस्तान है। तो सभी किसी ना परिस्थिति के कारण उनको दूसरे धर्म में जाना पड़ा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अपना घर छोड़ के चले गए तो अपने घर से बैर हो जाना ये उचित नहीं है। तो सभी लोग इसमें देश को नई ऊंचाई ले जाने पे अपना सहयोग दें। आप देखते रहिए प्यारा भारत, धन्यवाद।